The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So guys, vitamin D, kya hai? क्यों है, कैसे है, कहां से मिलेगा, क्यों, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर विटामिन डी इनफ नहीं मिलेगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो क्यों चाहिए तो क्या हो जाएगा, इस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबको इतना तो पता है कि विटामिन डी कुछ ना कुछ कैल्शियम के साथ करता है, हड्डियों के साथ करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि विटामिन डी कई सारे टाइप्स के कैंसर प्रिवेंट करता है? जी हाँ, कैंसर प्रिवेंट करता है। और क्या आपको पता है कि जो आपको वीकनेस हो रही है, मसल में पेन हो रहा है, कभी कभार कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, इवन कई बार डिप्रेशन हो रहा है, कई बार फटीग कमजोरी आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी इतना ज्यादा जरूरी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए कि आपको लिटरली उसके लिए इंजेक्शन सप्लीमेंट्स लेने पड़े, बल्कि जबकि वो सिंपल सिंपल सुबह सुबह धूप से मिल जाना चाहिए था। जी हाँ, धूप से, सनलाइट से, नंबर वन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। बट देन धूप में जाता कौन है आजकल, ना धूप में खेलना होता है, ना तो ट्रैवल करना होता है, सब जगह पे बंद कमरे हैं, सब जगह पे बंद कारें हैं, ऊपर छत हैं, धूप है तो बहुत तेज है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। सो यू नो व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सो अगर आपको कहीं कोई भी मूड चेंजेस भी हो रहे हैं या बोन पेन, बोन लॉस, मसल क्रैम्प, मसल पेन, राइट, कई बार छाती में दर्द विटामिन डी के वजह से, फटीग, जॉइंट पेन, बोन पेन, यू शुड चेक योर विटामिन डी। सो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिशिएंसी का मतलब है जितना आपके शरीर में विटामिन डी होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, डेफिशिएंसी है, राइट। और विटामिन डी आपके स्किन एक्चुअली बनाती है, स्किन बनाती है विटामिन डी बाय यूजिंग सनलाइट। एंड जितने फेयर स्किन यानी कि जितने गोरे गोरे लोग होते हैं वो और यंग लोग, जवान लोग, सनलाइट को विटामिन डी में और जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट सनलाइट को अंदर नहीं जाने देता, तो विटामिन डी नहीं बनता। और 50 की उम्र के ऊपर या एक उम्र के बाद स्किन के अंदर से जो विटामिन डी बनने का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। हु मेक्स विटामिन डी? योर स्किन, योर चमड़ी, योर त्वचा। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो थोड़ा बहुत धूप चाहिए भैया। सो व्हाई विटामिन डी इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज विटामिन डी इज नीडेड फॉर यू टू स्टे हेल्दी। वो नहीं होगा आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। नंबर वन थिंग, इट इज नीडेड फॉर योर स्ट्रॉन्ग बोन्स, राइट। स्ट्रॉन्ग बोन्स मतलब आपके बचपन में अगर नहीं मिला विटामिन डी तो बोन पतली हो जाएंगी, चोई, बिल्कुल ऐसा हिलने वाली रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, वीक सॉफ्ट बोन्स हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। सो यू नीड विटामिन डी सो डैट आपकी बॉडी कैल्शियम फॉस्फोरस को यूज कर सके, बोन बना सके बचपन में। और अगर बड़े होने के बाद आप ऐसे करोगे कि विटामिन डी नहीं है तो आपको हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। नाउ दिस इज नथिंग टू डू विद मलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डी में उतना मिनरल यानी कैल्शियम फॉस्फोरस ही नहीं है जितना होना चाहिए। सो ऑस्टियोमलेशिया बिकॉज विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी, कैल्शियम दोनों हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम जो खा भी रहे हो, दूध पी रहे हो, केला खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, कहीं से भी कैल्शियम आने वाला है, नहीं आएगा बिकॉज विटामिन डी नहीं है या कम है तो कैल्शियम कम आएगा। सो विटामिन डी कम होने से बोन डेंसिटी कम होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब बोन पेन, राइट, सॉफ्ट बोन्स, ऑस्टियोमलेशिया, राइट, सॉफ्ट बोन्स हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स वीक हैं, बोन्स पोरस है, छतर छतर वाली बोन है, छतर छतर यानी कि छेद छेद वाली बोन्स है, कोई सॉलिड बोन नहीं है। सो बोन पेन एंड ऑब्वियसली ऐसी कुछ होगा तो फ्रैक्चर भी जल्दी होगा, फ्रैक्चर जल्दी होगा बोन्स में, रिमेंबर दैट। एंड ऑब्वियसली विटामिन डी आपको चाहिए कैसे ना कैसे करके। थर्ड रीजन व्हाई यू नीड विटामिन डी इज बिकॉज विटामिन डी इज नीडेड फॉर योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड आपकी थायरॉइड के पीछे होते हैं, वो बेसिकली बैलेंस रखते हैं कैल्शियम लेवल पे। अगर ब्लड के अंदर
और कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करके क्या करते हैं, जब भी आपका डाइट से सफिशिएंट कैल्शियम आता है, मान लो समझो, चलो लेट्स स्टार्ट, कि पैराथायरॉयड आपके तीन चीजों के साथ कम्युनिकेट करता है, नंबर वन किडनी, नंबर टू योर गट्स इंटेस्टाइन, नंबर थ्री योर बोन्स स्केलेटन। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में आ गया डाइट से, तो उससे क्या होता है कि, और आपका ऑब्वियसली विटामिन डी चाहिए सफिशिएंटली, तो फिर डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है और वो पूरी बॉडी में यूज में आ जाता है। अगर कैल्शियम इंटेक कम हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी कम है या कैल्शियम ही नहीं है, राइट, तो फिर आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, कैल्शियम उठा लेगा बोन से, विल बोरो द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, कि भैया देखो हमको कैल्शियम चाहिए, हमारी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, नहीं तो हम नहीं चलेंगे, तो बोन से कैल्शियम निकल जाएगा और बोन्स आपकी हो जाएगी छिद्र छिद्र, यानी कि वहां पे आएगा छेद, ऐसे बहुत सारे छेद आ जाएगा, तो कैल्शियम कैल्शियम से प्रॉब्लम आएगा। वेरी 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 सिंपल इशू, कि यहाँ से बोन से कैल्शियम निकल जाए, बोन पर बोन फुसर होती जाएगी, और जब आपका कैल्शियम फिर बढ़ जाएगा तो फिर बॉडी क्या करेगी, फिर बोन भरना शुरू करेगी। सो नॉट गेटिंग इनफ विटामिन डी, नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम विल कॉज प्रॉब्लम्स इन योर पैराथायरॉयड फंक्शन एंड बोन वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मेनी मेनी कंडीशंस, लिटरली हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, बड़ों में गिर जाना, चोट लग जाना, उसको भी अवॉइड कर सकते हो अगर आप सही मात्रा में सही टाइम पे कैल्शियम ले रहे हो तो। सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स लाइक कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दिमाग की बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कम हो जाएंगी अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी सही मात्रा में ले रहे हो। ऑब्वियसली विटामिन डी इज नीडेड फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी प्रिवेंट्स ऑल दीज कंडीशन, सो यू नीड विटामिन डी। भैया आज के डेट में सबको कमी है, चेक करो, सबको कम है, इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं खाना। What are the sources of vitamin D? Number one is sun. कितना देर खड़े रहना है सन में? 15 मिनट, 20 मिनट, कितने दिन? 3 दिन हफ्ते में, एक हफ्ते में 3 दिन 15 से 20 मिनट काफी। अब ऐसा नहीं पूरा ढक के छाता लेके खड़े और बोलेंगे हम तो खड़े हो गए, नहीं, योर आर्म्स एंड योर फेस, योर बॉडी, अपर बॉडी एटलीस्ट शुड बी नेकेड। और देर आर गुड फूड, खाने पीने में चीजें हैं जिनमें थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है, और ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स हैं जिनमें विटामिन डी होता है। सो सनलाइट, व्हाट डज सनलाइट हैव टू डू विद गेटिंग इनफ विटामिन डी? ऑब्वियसली देखिए यूवीबी जो लाइट है, यूवीबी रेज जो सन इमिट करता है, वो विटामिन डी उससे बनता है, राइट, बिकॉज सन स्किन जब यूवी बी रेज से टच होता है तो होता है। तो ऑब्वियसली किस मौसम में कितना सन है, कितना रेज है, उस पर भी डिपेंड करेगा कितना विटामिन डी। सीजन डिपेंड करेगा, डे का टाइम डिपेंड करेगा। सन रे जो ज्यादा पावरफुल होती हैं 3:10 से 10 बजे के बाद 4 बजे तक, उसमें बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो क्लाउड पे, एयर पे, पोल्यूशन पे, आपके स्किन के कलर पे, मेलाटोनिन लेवल पे, मेलानिन लेवल पे फर्क पड़ेगा। डाइट से कहां से आएगा विटामिन डी? थोड़ा बहुत आपके डाइट में होता है, बट नेचुरली बहुत सारे खाने में नहीं आता, राइट। इनफैक्ट इट मे बी डिफिकल्ट अगर आप वीगन है, नॉन वेजिटेरियन फूड में थोड़ा बहुत विटामिन डी हो जाता है, मगर आप वीगन है तो फिर जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध भी नहीं लेते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है विटामिन डी अपने डाइट में पूरा करना। सो लेट मी टेल यू कितना किसमें विटामिन डी है। अगर हम किसी का फिश ऑयल की बात करें, कॉड लिवर ऑयल, तो एक चम्मच फिश ऑयल में 1360 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है, सो इट्स वेरी गुड। कॉड फिश जो है, अगर फिश खाओगे, स्वॉर्ड फिश में भी एक 3 ounces में 556 इंटरनेशनल यूनिट। सालमन जो बहुत लोग खाते हैं इंडिया में, उसमें भी अराउंड 450 इंटरनेशनल यूनिट होता है 3 ounces में। ना 3 ounces आप बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके 3 ounces मतलब अराउंड 100 ग्राम, 85-90 grams, राइट, 85-90-100 grams की बात कर रहे हैं। 100 ग्राम्स में आपके 450 ये हो जाएगा।
टूना अगर आप खा रहे हो 100 ग्राम तो उसमें कम होती है, सालमन में ज्यादा होता है विटामिन डी। सो टूना में 150-160 ग्राम्स होते हैं, 150 इंटरनेशनल यूनिट। ऑरेंज जूस जो फोर्टिफाइड होता है उसमें भी होता है 130-140। वाइट मिल्क में होता है जिसमें अगर विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है तो उसमें भी 120-130 के आसपास हो सकता है। दही में 80 होता है, 100 ग्राम की बात हो रही है दही में, लेकिन 200 ग्राम की बात हो रही है। सार्डीन्स में या बेसिकली फिश में ज्यादा होता है, एग योक में होता है, लिवर में होता है, और सीरियल यानी कि फोर्टिफाइड सीरियल अगर आप खा रहे हैं तो उसमें भी 30-40 इंटरनेशनल यूनिट हो सकता है। चीज में भी 6 इंटरनेशनल यूनिट होता है। सो विटामिन डी फूड से मिल सकता है। उसके अलावा आपको कितना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, और साथ में आपके बोन्स की सिचुएशन क्या है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है तो आपको ज्यादा चाहिए विटामिन डी, फिर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी डेफिशिएंसी हो तो फिर, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो सप्लीमेंट नहीं लेना, फिर मेंटेनेंस डोज है। सो देयर आर समथिंग लाइक दिस राइट। सो बेसिकली ओल्डर पीपल जो विटामिन डी जिनको चाहिए उनको कहीं भी एक दिन में 800-2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए, और इट्स इंपॉर्टेंट। अब लेकिन बच्चों को उतना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को 400 और ज्यादा 1000, और थोड़े बड़े हो गए 6 महीने से नीचे 400-1000, 6-12 400-150, 1500, 3 साल तक 2500 तक ऊपर चाहिए, 600-2500, 8 साल तक 600-3000, और फिर 9 साल से ऊपर 600-4000 तक, 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक आपको चाहिए होता है, और 70 साल के ऊपर 800 से लेके 4000 तक आपको चाहिए। बेसिकली यही मान के चलो 600-800-4000 इंटरनेशनल यूनिट तक, 1000-4000 मान लो, ज्यादा ही ले लो थोड़ा सा, 4000 इंटरनेशनल यूनिट ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ज्यादा लेने में, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो व्हाट कॉजेज डेफिशिएंसी अगर आप डाइट में नहीं ले रहे हो, नंबर वन ऑब्वियसली, लेकिन देर आर सम थिंग्स ऑल्सो, कुछ बीमारियां हैं जो डेफिशिएंसी करती है इन स्पाइट ऑफ नॉट टेकिंग इन द डाइट। नंबर वन इज योर इंटेस्टाइन की बीमारियां, क्रॉन्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिएक डिजीज, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। खा लो सप्लीमेंट, खा लो कुछ खा लो, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो अगर आपको सीलिएक डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, विटामिन डी लेना है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सिंपल, या धूप से लेना पड़ेगा सिंपल, खाने से कुछ नहीं होने वाला। फिर वेट लॉस सर्जरी करा ली, वेट लॉस सर्जरी करा ली तो भी इंटेस्टाइन कई बार एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी कई बार विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है। मां अगर आपका बीएमआई मोर देन 30 है, ओबेसिटी है, विटामिन डी लेवल लो रहेगा। फैट सेल्स जो है विटामिन डी को आइसोलेट कर लेते हैं और अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, बिकॉज ए डी ई के इज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वहां पर अगर विटामिन डी फंस जाएगा तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा तो कम होगा, ब्लड में कम है डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी सारा सर्कल वापस शुरू। किडनी लिवर डिजीज है तो भी, किडनी और लिवर डिजीज है तो उससे क्या होगा, जो विटामिन डी है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो फायदा क्या, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी लिवर डिजीज, ओबेसिटी, वेट लॉस सर्जरी या इंटेस्टाइन की कोई भी बीमारी या ऑपरेशन। उसके अलावा ऑब्वियसली आपका आपके मोबिलिटी फर्क पड़ता है, जो लोग घर में बैठे रहते हैं उनके अंदर सन एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जिनकी डार्क कलर स्किन है उनको कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा सन एक्सपोजर का। और जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत कम मात्रा में होता है विटामिन डी, तो फिर फॉर्मूला मिल्क जो होता है उसमें थोड़ा अच्छी मात्रा में होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है। इसके अलावा अगर आप दवाइयां ले रहे हो जैसे कि लैक्सेटिव्स, जैसे कि स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां, जैसे कि कोलेस्टायरामीन, जैसे कि फिनोबार्बिटॉल, फिनोटॉइल, दिमाग की सीजर कंट्रोल करने की दौरे वाली दवाइयां, ट्यूबरकुलोसिस की रिफैम्पसिन, वेट लॉस की ऑर्लिस्टैट, तो आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, मत खाना। सो जिस दिन विटामिन डी खाओगे उस दिन ऑर्लिस्टैट मत खाना, इफ यू आर टेकिंग ऑर्लिस्टैट, कई लोग खा रहे होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, फिर से बता रहा हूँ भैया, अगर आपको बचपन में नहीं खाओगे तो रिकेट्स हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, बड़े होकर नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी, बोन में पेन होगा, मसल में पेन होगा, मसल में एक होगा, मसल में स्पाज्म होगा, मूड में चेंजेस होंगे, डिप्रेशन होगा, छाती में दर्द हो सकता है, डर भी लग सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो गो एंड गेट योर विटामिन डी चेक, बट बिफोर दैट share this video and share like this video, very important, thank you so much. If you have any questions please ask.